Hello, my name is Shubham Royal and professionally I'm a mechanical engineer along with a proud digital networker. So guys, in this video we will discuss about आप forever तो कर रहे हो but क्या आप forever business जो कर रहे हो एक right way में कर रहे हो? क्या आप जो सी टीम में हो वो आपको बता रही है कि इनकम जनरेशन एक्टिविटीज क्या होती हैं, या फिर अभी भी आप वही काम कर रहे हो कि प्रोस्पेक्ट्स के साथ बैठ रहे हो, जाके उनको चाय पिला रहे हो, उनको कॉफी पिला रहे हो और वहां से ना सुन के आ रहे हो, या फिर आप बड़े बड़े सेमिनार्स में उनको लेके जा रहे हो, अपना पेट्रोल खर्च करके जा रहे हो, मेट्रो से जा रहे हो और अपना कैब करके जा रहे हो, अपने प्रोस्पेक्ट्स को सेमिनार बड़े बड़े सेमिनार्स में लेके जा रहे हो, वहाँ तालियां दिखा रहे हो, उनको बड़े बड़े चेक्स दिखा रहे हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखा रहे हो, बट फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? गाइस पॉज द वीडियो और कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं, कि आपका भी फॉर एवर बिजनेस नहीं चल पा रहा, क्या ऐसा हो रहा है? मुझे पता है बहुत लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा होगा कि पैसा जा रहा है लेकिन पैसा आ नहीं रहा है फॉर एवर में, क्या करूं? सो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने अपलायंस से बात करो। अगर आप अभी भी ट्रेडिशनल वे में फॉर एवर के बिजनेस को कर रहे हो तो मैं बता रहा हूं फॉर एवर का बिजनेस नहीं चलेगा ट्रेडिशनल वे में, आपको कुछ डिजिटली इस बिजनेस को जाके करना पड़ेगा, डिजिटली ही ये बिजनेस चलेगा आगे आगे। आफ्टर कोरोना, आफ्टर लॉकडाउन ये बिजनेस सिर्फ डिजिटली चलेगा, ऑनलाइन ही चलेगा। अब सबसे बड़ी बात आती है ऑनलाइन कैसे करें यार इस बिजनेस को, अब तक तो अब तक हमने ट्रेडिशनली करा था इस चीज़ को, अब ऑनलाइन कैसे करें गाइस? बहुत सारे टूल्स आ गए हैं मार्केट में, बहुत सारे टूल्स ऑलरेडी चल रहे हैं, आप फोकस करो मार्केट पे जो नया टूल्स आए हैं उन पे, जितना ज़्यादा आप उन पे फोकस करोगे ना आपको रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे एज कम्पेयर टू दी जिस तरह से आप ट्रेडिशनली वे में कर रहे हो। गाइस दो तरह से मोटिवेशन होता है, एक मोटिवेशन होता है आप सेमिनार में गए, आपने वहाँ पे बड़े बड़े चेक्स देखे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखी, बड़ा बड़ा लाइफस्टाइल देखा लोगों का, खूब सारी आपने वहाँ तालियां बजती भी देखी, तो आप भी वहां से मोटिवेट हो गए, यार यार ये कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ, एक होता है वो मोटिवेशन, ठीक है। दूसरा मोटिवेशन ये होता है अगर आप फॉरएवर के बिजनेस में एग्जांपल लेके चलता हूँ और किसी के अननोन का फोन है आपके पास, हेलो हाँ जी आप बोल रहे हो, हाँ जी मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुझे ना दो हनी चाहिए थे और दो नेक्टर चाहिए थे, क्या आप मुझे दे सकते हैं, अवेलेबल होंगे? आप सोचोगे यार ऑर्डर आ गया है तो आप क्या करोगे फटाफट, हाँ जी मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे, तो कहाँ मिलोगे आप, यहाँ पे मिलोगे, आप जाके उसको दे आए, ठीक है। एक होता है मोटिवेशन ये, तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा मोटिवेशन ज़्यादा अच्छा होता है। देखो पहले में तालियां बज रही हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, लेकिन दूसरा जो मोटिवेशन अगर जो रिजल्ट से आता है वो मोटिवेशन ज़्यादा अच्छा होता है या फिर पहले वाला, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगा और बहुत मजा आएगा इस चीज़ को एक बार प्लीज करके जरूर देखना, कौन सा मोटिवेशन अच्छा है, पहला कि लोग तालियां बजा रहे हैं, बड़ी गाड़ियां दिख रही हैं, अपलाइन के बड़े चेक दिख रहे हैं, वो मोटिवेशन ज़्यादा बढ़िया है, या फिर सेकंड एक ऑर्डर आ गया जहाँ से हमें इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ हुई, जहाँ से हमारे पास पैसा आया, एक वो मोटिवेशन ज़्यादा अच्छा हुआ? गाइज मेरे हिसाब से तो सेकंड वाला मोटिवेशन हमेशा ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्यों? क्योंकि आज मेरी अगर एक एलोवेरा की बॉटल भी बिक गई ना, मैं सही बता रहा हूँ, तो 3 दिन तक मैं खुश रहता हूँ, हाँ यार मेरा प्रोडक्ट सेल हुआ है ना, मैंने किसी प्रोडक्ट किसी के घर में अपना प्रोडक्ट पहुंचाया है, किसी के घर में प्रोडक्ट मेरे थ्रू गया है, सो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है ये, मेरे मुझे तो यही वाला मोटिवेशन ज़्यादा अच्छा लगता है। आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कौन सा मोटिवेशन ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, जो पहले वाला मोटिवेशन होता है ना वो एक या दो दिन ही चलेगा, उसकी रिलायबिलिटी बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू उस मोटिवेशन के जो रिजल्ट के बाद आता है। सो एट द एंड हमें क्या करना चाहिए, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? एट द एंड हमें वही करना चाहिए, हमें इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखना चाहिए, हमें ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है जहाँ से हमें इनकम जनरेट हो, ऐसा ना करना पड़े कि ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ करें जहाँ हमारे से इनकम और निकल रही है जेब से, फॉरएवर बिजनेस भी कर लिया, 2CG भी कर लिया, फिर भी यार पैसा निकल ही रहा है, तब भी पैसा आ नहीं रहा है। सो ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ पर ध्यान रखो जैसे मेरी टीम करती है, हम अपनी टीम में ज़्यादा फोकस इसी चीज़ पर रखते हैं कि कहाँ से पैसा आने के चांसेस ज़्यादा हैं, कहाँ से अच्छी लीड्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, हम फोकस उन पर करते हैं, ना कि हम बड़े सेमिनार्स में जाके बढ़िया पार्टीज़ करते हैं, बिल्कुल हम ऐसा नहीं करते हैं। हम कभी भी सुबह सुबह कभी छोले भटूरे खाने वगैरह कहीं चले जाते हैं, लेकिन जो भी हम काम करते हैं वो सारा हम ऑनलाइन ही करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन काम करके आप एक बार में रीच अपनी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो एज़ कम्पेयर टू अब 1-to-1 प्रोस्पेक्टिंग से, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो सके स्मार्ट वर्क करो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में कन्वर्ट हो चुकी है अब, और जितना ज़्यादा आप स्मार्टली वर्क करोगे उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट भी अच्छा आएगा और स्मार्ट लीड्स मिलेंगी आपको, स्मार्ट नेटवर्क बनेगा और स्मार्ट ही पैसा आएगा। सो गाइस ट्राई टू फोकस ऑन इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ ओनली, कुछ ऐसे ऐसे ही काम करो जहाँ से पैसा आए, जहाँ से कुछ ना कुछ स्किल्स मिलें, कुछ ना कुछ आपका फ़ायदा हो, कुछ ऐसा ही काम करो। और सबसे बड़ी बात अपलाइन की सुनो और डाउनलाइन की हेल्प करो ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा आप हेल्प करोगे डाउनलाइन की, डाउनलाइन इंडायरेक्टली आपकी हेल्प करेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। सो डाउनलाइन की अगर 2CG नहीं हो 2CG में हेल्प करो, सब चीज़ में हेल्प करो,
so that you will get more results in forever. So guys, at the last, if you want to connect with me, I'm sharing my WhatsApp number in the description box. You can connect me over there. And yes, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप किस तरह से सोचते हो, किस तरह से फॉरएवर का बिजनेस जरूर करते हो। मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगा और सबके कमेंट्स पर रिप्लाई करूंगा। एट द एंड, इट्स योर लाइफ, मेक इट ब्यूटिफुल। बाय बाय।